हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने DIY होम रेमेडी ऐसी शेयर करूंगी कि जिससे आपका चेहरा तो गोरा होगा, आपकी फुल बॉडी फेयर होगी, ग्लोइंग होगी, जो भी टैनिंग होगी रिमूव होगी। एंड ये 100% वर्क करता है और मैं इसे नहाने से पहले आधे घंटे पहले अपनी बॉडी पे अप्लाई करती हूँ, देन इसको स्क्रबिंग करती हूँ, रब करती हूँ बॉडी को, और रब करने के बाद मैं इसे वॉश करती हूँ। आप इसे अगर यूज़ करोगे तो आपको इससे फर्स्ट टाइम में ही फ़र्क दिखेगा, एंड अगर आप रेगुलर यूज़ में इस होम रेमेडी DIY को यूज़ करते हो तो आपकी बॉडी दिन ब दिन गोरी होती जाएगी। ये कोरियन भी DIY होता है, कोरियन इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, और ये बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए, और मैं हमेशा अपने चैनल पे कोशिश करती हूँ कि कम से कम इंग्रेडिएंट्स में ही मैं आपको DIY होम रेमेडी शेयर करूँ, ताकि झंझट से बचने के लिए आप इसे स्किप ना करें और इस फुल यूज़ करो। तो फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत आसान है, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट है वो आपके किचन में अवेलेबल होंगे, और बड़े आसानी से आप ये DIY बना सकते हो। नहाने से पहले इसे सिर्फ अप्लाई करना है 10 से 15 मिनट तक अपनी बॉडी पे, एंड उसके बाद आप 10 मिनट तक इसे रब, मिनट्स के बाद आप इसे अच्छे से वॉश कर सकते हो। रब करने के बाद, रब करना ज़रूरी है, ये नहीं कि बस आपने बॉडी पे अप्लाई कर लिया, फेस पे अप्लाई कर लिया, उसे रब नहीं करना है तो ये उतना वर्क नहीं करेगा। आप इसे बॉडी पे अप्लाई करने के बाद 5 से 10 मिनट तक के लिए आप इसे पूरी बॉडी पे रब करो, एंड नॉर्मल पानी से ही आप इसे वॉश कर दो। एंड अगर उसके बाद आप चाहते हो बॉडी वॉश लगाना, सोप लगाना, तो आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप नहीं लगाते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये होम रेमेडी है, DIY है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, और केमिकल और होम रेमेडी का कोई भी मेल नहीं होता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि अगर हफ्ते में आप एक बार इसे लगा रहे हो तो साबुन या बॉडी वॉश स्किप कर दीजिए उस दिन, एंड फिर रेगुलर वे में आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह मैं भी करती हूँ, इसी तरह मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इस DIY होम रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 से 5 बड़े चम्मच बेसन लिया है। मैं अपने फुल बॉडी के अकॉर्डिंग मैं इसे बनाऊंगी, रेडी करूंगी, तो आप भी इसी तरह फेस एंड बॉडी के लिए बना सकते हो। और इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट मैंने मिक्स किया है वो कॉफ़ी पाउडर है। एक कॉफ़ी पाउडर का जो पैकेट आता है वो मैंने पूरा 10 रुपीज़ वाला इसमें मिक्स किया है, और इसे मैं नॉर्मल पानी से नहीं मिक्स करूँगी, क्योंकि नॉर्मल पानी से कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए मैं इसमें रॉ मिल्क, इट मीन्स कच्चा दूध मिलाऊँगी। कच्चा दूध जो होता है वो स्किन को डीप क्लीनिंग करता है, स्किन पे टाइटनिंग लाता है, अगर स्किन पे दाग धब्बे हैं उसको भी रिमूव करता है। तो इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिले हैं वो सारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, और आपकी स्किन इससे निखरती जाएगी दिन पे दिन। और जो और मैं मिक्स कर रही हूँ, मैं कर्ड मिला रही हूँ, दही। दही में फुल मात्रा में कैल्शियम प्रोटीन होता है, जो स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये चारों चीज़ों को मैं मिक्स करके एक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी, और बनाने के बाद नहाने से पहले, मैंने आपको बताया है कि नहाने के आधे घंटे पहले आप फुल बॉडी पे इसे अप्लाई करो एंड 10 मिनट तक रहने दो, फिर उसके बाद 5 से 10 मिनट तक बॉडी को अच्छे से रब करो, देन उसके बाद आप वॉश करो। मैं आपको यहाँ डेमो करके हैंड पे भी दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से मैं इसे अप्लाई करती हूँ, किस तरह आपको रब करना है। मैंने ऐसे भी दिखा दिया, और मैं आपको हैंड पे भी करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपको अप्लाई करना है अपनी स्किन पे, फुल बॉडी पे आप इसे अप्लाई कर सकते हो, एंड फेस पे भी। फेस पे आप ज़्यादा रब ना कीजिएगा, बट बॉडी पे आप अच्छे से स्क्रबिंग कर सकते हो। इससे ये सारा डेड स्किन आपका निकाल देगा, और अगर आपकी शादी होने वाली है, आप ब्राइडल हो, तो आप इसे हफ्ते में एक बार ज़रूर यूज़ करो, फिर आप इसका फ़र्क देखोगे कि आपके स्किन के अंदर कितना ज़्यादा ग्लो आता है, दिन पे दिन आपकी बॉडी निखरती चली जाएगी। ये होम रेमेडी DIY इतना ज़्यादा वर्क करता है कि मैं बता नहीं सकती कि ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है। इस तरह आप इसे रब कीजिए, एंड रब करने के बाद देखिए, मैं 10 मिनट तक इसे रखूँगी, एंड उसके बाद हल्के हाथों से आपको रबिंग करना है, क्लॉकवाइज इंटरक्लॉकवाइज। एंड यहाँ आप देख सकते हो, मैं बॉडी पे भी अप्लाई करके जितने पार्ट्स ओपन हैं मैं उतने पार्ट्स पे आपको दिखा दे रही हूँ कि किस तरह मैंने अप्लाई किया, किस तरह इसे रब करना है, वॉश करना है। फुल डिटेल में मैंने आपको बताया है अच्छे से। आई होप आप इसे
अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। एंड इसका जो भी फीडबैक होगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसे एक बार यूज़ करके बिल्कुल मत छोड़िएगा। आप इसे कंटिन्यू वीक में एक बार यूज़ करिएगा एंड 3 से 4 टाइम में आप देखोगे कि कितना ज़्यादा फ़र्क आपकी बॉडी पे आता है, आपके कॉम्प्लेक्शन में कितना ज़्यादा फ़र्क आता है, आपकी बॉडी का कलर जो रहेगा वो जो डल रहेगा वो कितना ज़्यादा फेयर होता है। बट कोई भी होम रेमेडी हो, DIY हो गाइज, वो एक बार में फ़र्क नहीं दिखाता है। जब तक आप उसको 2 से 3 बार नहीं यूज़ करते हो आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल। वीडियो के साथ किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वो बाय, लव यू, टेक केयर।